नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोर पेपर 13 का चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की व्याख्या करें। संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने के पीछे क्या उद्देश्य था, इसके बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में इसके उद्देश्यों के बारे में चर्चा किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को किन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया। इस अनुच्छेद के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक उद्देश्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में, चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। इसमें बताया गया है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्यों के कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करी गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के बारे में जो है कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है, उन सभी तत्वों का विरोध करना है जिससे शांति एवं सुरक्षा का भंग होने का खतरा हो। संयुक्त राष्ट्र संघ यह देखता है कि अगर कोई ऐसा तत्व जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा होने का खतरा हो, ऐसे स्थिति में उन सभी तत्वों को भंग कर दिया जाता है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों या विवादों को शांतिपूर्वक उपायों द्वारा निपटारा कराना तथा उन पर जो है समझौता कराना, ताकि शांति भंग होने की आशंका ना हो। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो झगड़े हो रहे हैं, जो विवाद हो रहे हैं, उनको अगर शांतिपूर्वक उपायों से निपटारा नहीं करवाया जाएगा, समझौता नहीं करवाया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति को बनाए रखना संभव नहीं है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी झगड़ों या विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाया जाएगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखा जा सके। चौथा है, सभी राष्ट्रों के बीच सभी लोगों के साथ समान अधिकार देना, किसी भी राष्ट्र के साथ भेदभाव न करना। सभी राष्ट्रों के बीच सभी लोगों के साथ समान अधिकार दिया जाएगा, तभी तो जो है संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रख सकेगा। अगर किसी राष्ट्र को अधिक अधिकार देता है, किसी राष्ट्र के साथ जो है भेदभाव करता है, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाना संभव नहीं है। पांचवा है, मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाने के लिए कार्य करना, ताकि विश्व को मजबूत बनाने के लिए उचित उपाय किया जा सके। मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की बात करता है। अगर दो राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बने रहेंगे, तभी जो है विश्व स्तर पर दो राष्ट्र संगठित होकर रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा बनाए रखा जा सकेगा। अगर दो राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, तो ऐसे स्थिति में जो है विश्व स्तर पर अशांति फैल सकता है। छठा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करना। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे आर्थिक क्षेत्रों में हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो व सांस्कृतिक समस्या हो, उनको समाधान करना, उनके लिए कार्य करना। किसी भी धर्म, जाति, लिंग, आकार, भाषा के आधार पर भेदभाव ना करना तथा मानव अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना। किसी भी धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, आकार हो, इसके आधार पर भेदभाव ना करना, ताकि मानव अधिकारों एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा दिया जा सके। आठवां जो इसका उद्देश्य है, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसा संगठन बनाना जहाँ इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति शांतिपूर्वक रूप से किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है आठवां उद्देश्य है, वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ऐसा मंच बना देना विश्व स्तर पर जहाँ पर सभी उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और किसी भी मुद्दे पर, किसी भी विवादों पर शांतिपूर्ण रूप से उनको सुलझाया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, शांति एवं सुरक्षा को कायम रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रथम उद्देश्य है, वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना। जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति नहीं होगा, तब तक किसी भी उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। संगठन में यह कहा गया है कि अगर कोई राष्ट्र शांति एवं सुरक्षा को भंग करने का प्रयास करता है, तो उन पर सामूहिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कहा गया है कि जब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति नहीं होगा, तब तक किसी भी उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर दो राष्ट्रों के बीच लगातार युद्ध चल रहा है, ऐसे में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है, वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। संगठन में यह भी कहा गया है कि अगर कोई राष्ट्र शांति एवं सुरक्षा को भंग करने का प्रयास करे, लगने लगे कि द्वितीय विश्व युद्ध की तरह तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, तो ऐसे स्थिति में जो है सामूहिक रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है, मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा उद्देश्य है, इसमें शामिल सदस्य राष्ट्र के साथ अच्छे संबंध को बनाए रखना। मैत्रीपूर्ण संबंध रखने से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखा जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब इसमें शामिल सभी राष्ट्रों के साथ समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार हो। मैत्रीपूर्ण संबंध कब बनाया जाना संभव है, तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी सदस्य शामिल है, उनके बीच अच्छे संबंध हो। और यह कब होगा, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने भी सदस्य राष्ट्र शामिल है, सभी के साथ समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाए।
ऐसा नहीं कि कोई राष्ट्र को अधिक मान्यता दिया जाए, उनको अधिक समानता दिया जाए, अधिक स्वतंत्रता दिया जाए और किसी और राष्ट्र के साथ भेदभाव किया जाए। अगर ऐसा करता है तो मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना संभव नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालना है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा को बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का राजनीतिक उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है प्रथम राजनीतिक उद्देश्य है। दूसरी बात कही गई है कि विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना तभी संभव होगा जब आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से सभी के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। अगर आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से कोई देश पिछड़ा है तो कोई देश बहुत आगे है, तो ऐसे स्थिति में जो है विश्व स्तर पर शांति बनाए रखना संभव नहीं है। तीसरी बात इसमें कही गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया गया था वह कुछ हद तक ही सफल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थापित करने का जो उद्देश्य था वह उद्देश्य पूरी तरह से जो है सफल नहीं रही है, कुछ हद तक ही सफल रहा है। यह संगठन पूरी तरह से तभी सफल हो सकता है जब सभी राष्ट्रों के साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान रूप से अधिकार प्राप्त हो। इसमें कहा गया है कि यह संगठन पूरी तरह से तभी सफल हो पाएगा जब सभी राष्ट्रों के साथ जो है आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो, सभी क्षेत्रों में समान रूप से अधिकार दिया जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने के लिए कई संस्था गठित किया गया है, जैसे कि विश्व बैंक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ। ये सभी संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। अगर विश्व बैंक संगठन की बात करें तो आर्थिक रूप से सहायता करती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है हेल्थ से रिलेटेड सहायता करती है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ जो है मजदूरों से संबंधित लोगों को सहायता करती है। तो ये सभी संगठन बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ाया जा सके। घोषणा पत्र में उन सिद्धांतों की परिभाषा दी गई है जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। यह सिद्धांत मूल बिंदुओं पर आधारित है जिसके माध्यम से प्रत्येक सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। घोषणा पत्र में जिन सिद्धांतों की जो है परिभाषा दिया गया है जिसके आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है वो कुछ मूल बिंदुएं इस प्रकार से है। पहला जो है वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न और सम्मान है। जितने भी राष्ट्र इसमें शामिल है सभी राष्ट्र जो है प्रभुत्व संपन्न और सम्मान का मतलब होता है वह अपने मामले में फैसला ले सकता है, उनको जो है समान अधिकार दिया गया है, उन पर कोई भी दबाव नहीं बना सकता। दूसरा है सभी राष्ट्र अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। जितने भी राष्ट्र है अगर उन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो ऐसे स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ उन दोनों के बीच शांतिपूर्वक तरीके से विवादों को सुलझाती है। तीसरा, संघ के सभी सदस्य राष्ट्र घोषणा पत्र में वर्णित अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह निष्ठापूर्वक और पूरी ईमानदारी से करेंगे। इसमें तीसरी बात यह कही गई है संघ के सभी सदस्य राष्ट्र जो घोषणा पत्र में वर्णित है उनके कर्तव्यों और दायित्वों का जो है निर्वाह करेगा पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से। चौथी बात कही गई है सभी राष्ट्र किसी भी राष्ट्र की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी अथवा शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी राष्ट्र जो है किसी के प्रादेशिक अखंडता को तोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध जो है उनको धमकी नहीं देगा, अपने शक्ति का प्रयोग करके जो है उन पर आक्रमण नहीं करेगा। पांचवी बात कही गई है कि संघ के सभी सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्वक उपायों से करेगा जिससे विश्व शांति, सुरक्षा एवं न्याय की रक्षा हो सके। संघ में जितने भी सदस्य राष्ट्र शामिल है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो है समाधान शांतिपूर्वक उपायों द्वारा करेगा जिससे विश्व स्तर पर जो है शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखा जा सकेगा और सभी के साथ जो है न्याय हो सके, उनकी न्याय की रक्षा हो सके। इसमें जो है छठी बात कही गई है सभी सदस्य राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को हर संभव सहायता देंगे तथा उस राष्ट्र को सहायता नहीं देंगे जिस राष्ट्र के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ ने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। इसमें यह कहा गया है कि जितने भी सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल है सभी लोग संयुक्त राष्ट्र संघ को हर संभव सहायता देंगे तथा उस राष्ट्र को सहायता नहीं देना है जिस राष्ट्र के विरुद्ध जो है संयुक्त राष्ट्र संघ कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। सातवीं बात इसमें कही गई है कि संयुक्त राष्ट्र संघ किसी सदस्य राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।